नगर परिषद सुंदरनगर के बनायक वार्ड मार्ग पर पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर की 12 सितंबर 2012 को पुल के उद्घाटन की पट्टिका व दीवार शरारती तत्व ने तोड़ डाली है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय उन्होंने नशे में धुत एक युवक को वहां से ईंटें उठाते देखा था, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि वो पट्टिका दीवार को तोड़ रहा है। जब पट्टिका की टूटी दीवार पर उनकी नजर पड़ी तो मामले का पता चला। उसमें मेरा केवल इतना कहना है कि जो पट्टिका तोड़ी गई है, मैं पट्टिकाओं के लगाने में या तोड़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर किसी चुने हुए प्रतिनिधि ने कोई पट्टिका लगाई है तो उसको तोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। और जो तोड़ रहे हैं, अब जिसकी पट्टिका है उसकी पट्टिका तो को तोड़ने से उसकी कोई लोकप्रियता या उसके द्वारा लगाई हुई पट्टिका उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। और जो लोग इसको ऐसा कर रहे हैं वो अपने पॉलिटिकल मोटिव को अगर वो ऐसा समझें कि इससे अचीव हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। मुझे उसे तोड़ने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा उसमें लगाया गया पैसा होता है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में कोई लोग ऐसा ना करें। अगर कोई शौक है, हमारी तो कई इससे पहले और भी कई जगह से समाचार, कोई सौल की तरफ कोई दूसरी तरफ तोड़ रहे हैं लोग पट्टिकाएँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो किसी कॉर्नर से इस बात के लिए इंस्टिगेट किए जाते हैं, प्रेरित किए जाते हैं कि रूप सिंह की अगर पट्टिका लगी तो तोड़ दी जाए। तो उसमें मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो केवल अब उनकी अपनी हताशा और निराशा है, अगर वो इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी कई स्थानों पर पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर सहित पूर्व कांग्रेस के विधायक सोहनलाल ठाकुर और मौजूदा बीजेपी विधायक राकेश जामवाल की पट्टिकाएं टूटने का मामला सामने आया था, लेकिन इन घटनाओं के पीछे रहे दोषियों का आज दिन तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब ताज़ा घटनाक्रम में बनायक वार्ड मार्ग पर करीब एक दशक पूर्व किए गए पुल के उद्घाटन की पट्टिका व दीवार टूटने से मामला फिर से गर्मा गया है। उधर प्रशासन ने मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुझे अभी आपके माध्यम से ही, बल्कि मैं कहूँगा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। अगर किसी शरारती तत्वों ने ये किया है तो मैं अभी जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करूँगा कि वो इसे शीघ्र अतिशीघ्र इस चीज़ की जांच करें और जो कोई भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके विरुद्ध जो भी कानूनी कार्रवाई करती की जा सकती है, सख्त से सख्त वो कार्रवाई की जा सके। मैं बल्कि लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि इस तरह की जो घटनाएँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, इससे आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ता है। बाकी जो भी इसमें जांच होगी हम बिल्कुल जांच करवाएंगे और जो भी आउटकम रहेगा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। तो रखे अभिमान पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। तो रखे उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।